हरे कृष्णा। तो आज सुबह हम ये भौतिक जगत का और खास करके जीव का जो बद्धावस्था में स्थिति है उसका विश्लेषण और हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे इंद्रियों के द्वारा जीव जगत के साथ आदान प्रदान करता है उसके बारे में वर्णन है। तो मैं इसको प्रश्न को तीन विभागों में ले लूँगा। कैसे मिस आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन एंड यूटिलाइजेशन, कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें कैसे मोह में डालती हैं, कैसे हमें इंद्रियों का उपयोग करना है और कैसे हमें इंद्रियों को शुद्ध करना है। तीन चीज़ें हैं इसमें। अभी क्या है कि हमारा जो आत्मा भौतिक जगत में होता है वह उसके लिए इस भौतिक जगत में कार्य करने के लिए शरीर अनिवार्य है। और शरीर अगर अनिवार्य है तो शरीर के जो भी भाग है जैसे आँखें हैं, कान हैं, वह भी अनिवार्य है। इनके बिना हम काम नहीं कर सकते। मन भी अनिवार्य है क्योंकि मन यह आत्मा को और शरीर को जोड़ता है। शरीर के साथ मन आत्मा काम नहीं कर सकता अगर मन नहीं है। जैसे अगर कंप्यूटर का हम उदाहरण लेते हैं तो कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर के बिना अगर कुछ प्रोग्राम नहीं है, नया फ़ोन आया, नया कंप्यूटर आएगा, उसका कुछ काम नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले ये है, जैसे सॉफ्टवेयर ज़रूरी है कंप्यूटर में, वैसे ही हमारे लिए मन ज़रूरी है। मन और शरीर ज़रूरी है भौतिक जगत में कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य करना है। तो जब इस तरह से हम कार्य कर रहे हैं तो वास्तव में क्या होता है कि जो शरीर और मन है वह हमारे उद्देश्य से कार्य करते हैं, करना चाहते हैं, पर उसके अलावा शरीर और मन में बहुत कुछ चलते रहते हैं। जैसे कंप्यूटर में भी हम अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो कुछ खबर हमने सुनी है कहीं पे, उसके बारे में और जानना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ ये हो गया, वो हो गया। तो जब हम वो पढ़ने जाते हैं तो वो एक खबर तो होती है पर उसके साथ और 10-15 लिंक्स होते हैं, फिर ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, और फिर उसमें हम गुमराह हो सकते हैं। तो वैसे ही क्या है, शरीर और मन को हम अगर केवल एक यंत्र के रूप में देखते हैं तो उसका हम उपयोग अच्छे से कर सकते हैं, पर हम उसको केवल यंत्र के रूप में देखते नहीं हैं। मतलब क्या है कि अगर हम कई बार उदाहरण देते हैं कि ये शरीर जो है ये गाड़ी के समान है और आत्मा उसके ड्राइवर है, तो ये सही है। पर क्या है कि अगर कार में हमको पेट्रोल डालना है तो वो एक केवल फंक्शनल, वो एक कार को चलाने के लिए ज़रूरी है, पर उसमें कार में पेट्रोल डालने में वो ड्राइवर को कुछ आनंद नहीं मिलता है, उसके लिए केवल ज़रूरत है, पूरी के लिए तो गाड़ी जो चलेगी नहीं। पर जब हम इस शरीर में पेट्रोल डालते हैं, हम अन्न डालते हैं, तो न केवल उसे शक्ति मिलती है पर उसमें आनंद भी मिलता है। और उसी कारण क्या होता है कि अगर हमें जीवन का ऊंचा उद्देश्य पता नहीं है कुछ, तो हम इस शरीर के शरीर से जो भोग मिलता है उसी को हमारे जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। हमारे जीवन में हमारी थोड़ी ये ऐसी परिस्थिति है कि प्लेजर एंड फंक्शन आर इंटीग्रेटेड एट द फिजिकल लेवल, कि शारीरिक स्तर पे सुख और ज़रूरत या कार्य, जैसे खाना यह शरीर के लिए ज़रूरी है पर उसमें सुख भी है। तो जो कोई भी योनि इस भौतिक जगत में जी रही है तो उसके लिए उसको खुद को रिप्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए उसको पुनः उसके चलाना है उस योनि को आगे, तो फिर उत्पत्ति संतान उत्पत्ति करना ज़रूरी है। पर उस कार्य में जो एक तरह से अस्तित्व के लिए ज़रूरी है, खाना हो, संग करना हो, जो भी है, पर उसमें कुछ भोग भी है, उसमें कुछ आनंद भी है। और इसके कारण क्या होता है, कई बार वो आनंद का ही जो सुख मिलता है उसमें, उससे ही हम इतना आकर्षित हो जाते हैं कि जो दूसरा उसका उद्देश्य है वह हम भूल जाते हैं। तो अभी मान लीजिए कोई बोल रहा है कि मैं, कोई सुबह जल्दी उठता है और अपनी गाड़ी निकालता है बाहर, अभी आजकल ठंडी है काफ़ी, सिर्फ ठंडी निकाल के ठंडी में गाड़ी चलाने निकल रहा है। कहाँ जा रहे हैं? मैं गाड़ी में पेट्रोल भरने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, उसके बाद में कहाँ जाना है? नहीं, उसके बाद में एक और जगह में पेट्रोल भरूंगा।
उसके बाद में एक और जगह जाके पेट्रोल भरूंगा। तुम जाना कहाँ चाहते हो? अरे मैं पेट्रोल भरने जा रहा हूँ, उसके बाद में क्या? तो अभी कोई गाड़ी चलाने का उद्देश्य पेट्रोल भरना ये नहीं होगा किसी के, कोई गाड़ी चलाने का उद्देश्य, पर क्योंकि क्या होता है हमारे जीवन में हमारे शरीर के स्तर पर जो जो फंक्शन है, फंक्शन इज व्हाट इन हिंदी, कर्तव्य, कार्य, कार्य इज एक्टिविटी, आप जानते हैं फंक्शन, तो जो उसका उपयोग है, जो उपयोग है और जो भोग है, ये दोनों जो उपयोग के लिए ज़रूरी है और जिससे भोग मिलता है, ये दोनों का एक तरह से मेल हो गया है शरीर में और उसके कारण मोह होता है। अगर शरीर में हम खाना डालना ये केवल एक पेट्रोल जैसे एक गाड़ी में पेट्रोल डालने के समान कार्य होता तो उसके पीछे कोई मोहित नहीं होता था। तो पर क्योंकि इसमें जो उपयोग की जरूर के लिए ज़रूरी है और जो इसे भोग मिलता है दोनों साथ में हो गया है, इसके कारण आत्मा का शरीर से जो संबंध हो जाता है वह केवल उपयोग के लिए नहीं रहता है, वह उसमें वो भोग के लिए बन जाता है। और जब वो भोग के लिए बन जाता है तो वो इतना उसके उससे आसक्त हो जाता है, इतना उससे पहचानने लगता है कि व्यक्ति फिर सोचता है कि ना कि ये शरीर मेरे लिए एक वाहन है, पर ये शरीर मेरा है और मैं ये शरीर हूँ। तो ये जो मिस आइडेंटिफिकेशन, जो मोह एक बात है पर मिस आइडेंटिफिकेशन मतलब गलत पहचान, यह उससे भी बड़ा मोह है। मतलब क्या है कि अगर हम देखते देखेंगे तो हम इस भौतिक जगत में दो प्रकार के मोह में हो सकते हैं। एक है कि मान लीजिए कि रेगिस्तान में किसी जानवर को कहीं पानी दिख रहा है पर वो एक मृगजल है, वहाँ पे तो पानी है नहीं, वो केवल मृगजल, तो वो एक मोह है कि वहाँ पे जल नहीं है पर जल देखना, तो वो उस प्रकार का मोह ज़रूर हम सबको है। इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें आकर्षक दिखती हैं पर उनमें इतना कुछ आनंद नहीं, जितना दिखता है उतना तो नहीं है। भागवतम के 11वें स्कंद में कृष्ण जब उद्धव गीता बताते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि वो कहते हैं भौतिक जगत का क्या विशेषता है कि क्षुद्र सुख और ऊर तृष्णा, कि जो सुख है बहुत ही छोटा सा है पर उसकी जो तृष्णा है, हमारा जो इच्छा है जो बहुत बड़ा है। और ये बड़ा क्यों है? क्योंकि हमको लगता है कि सुख बहुत बड़ा है। तो एक प्रकार का मोह है कि जहाँ थोड़ा सा सुख है उसको बहुत बड़ा सुख मान लेना, पर वो जो मोह है वो उतना बड़ा नहीं है। हमारा मूलभूत मोह क्या है? द डीपेस्ट इल्यूजन इज नॉट जस्ट मिसपरसेप्शन, इट इज मिस आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि मिसपरसेप्शन मतलब जो चीज वहां पे पानी नहीं है उसको पानी देखना, पर मिस आइडेंटिफिकेशन मतलब खुद को ही शरीर मान लेना कि वह जो है वह मूल मोह है, और इस मोह के कारण बाकी सब मोह आ जाते हैं। तो अभी जब इंद्रियों से हम कार्य करते हैं, इंद्रियों से भोग करते करते ऐसे हो जाता है कि हम खुद को इंद्रियों से, हम ये जो इंद्रियां जिस शरीर से बनी हुई है जुड़ी हुई उससे हम पहचानने लगते हैं। अभी जब जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने इन्फेंट डेवलपमेंट, छोटा बालक होता है, शिशु होता है, नवजात शिशु, वो जैसे बढ़ता है उसके वो कैसे विचारधारा करता है, कैसे उसकी विचारधारा बढ़ती है, उसके बारे में काफ़ी संशोधन किया है। तो उसके बारे में अलग अलग थियोरीज हैं कि उसका अलग अलग तर्क होते हैं, पर एक चीज़ उसमें बताई गई है कि जब वो नवजात शिशु बड़ा होने लगता है तो सबसे पहले तो वैसे सिर्फ चेतना है, पर मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कुछ भी पता नहीं, सिर्फ अस्तित्व है, और रोने लगता है। तो फिर बाद में उसको माँ उठाती है, फिर माँ अपना स्तन से दूध पिलाती है तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है, पर क्या हो रहा है कुछ भी उसको समझ में नहीं आता है। जैसे कभी हम कभी बहुत गहरी नींद से उठ जाते हैं और मान लीजिए हम कहीं सैर कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उठ जाते हैं तो पहले कहाँ हूँ मैं कुछ समझ में नहीं आता है पहले। तो फिर बाद में अगर हम बहुत ट्रैवल कर रहे थे कहाँ, फिर बाद अच्छा मैं कर रहा था यहाँ पे था, अभी यहाँ पर होना चाहिए, तो उससे क्या थोड़ा समय लगता है। तो जो हमको शायद 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट लगेगा सुबह उठने के बाद मैं कहाँ हूँ समझने के लिए, जो नवजात शिशु होता है उसको कई दिन या कई हफ्ते लग जाते हैं। तो पहले तो उसको ये भी समझता नहीं है कि ये मेरी माँ है,
लगता है ये कुछ अच्छी चीज़ है, कुछ यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ आती है, मैं जब मेरे यहाँ जाती हूँ मुँह में अच्छा लगता है मुझे। तो फिर तो उसमें क्या होता है कि जो नवजात शिशु होता है धीरे धीरे, हम कहते हैं प्राणमय अन्नमय कोष जो होता है, प्राणमय कोष अलग अलग कोष होते हैं, तो अन्नमय कोष जो पहले होता है क्या कि सारे दुनिया की पहचान वो शिशु अपनी जीवा से करता है, इसीलिए जो भी मिलता है सबसे पहले उठाता है और वो चखता है, अपनी उंगली चखता है, अपने पैर चखता है, कोई चीज़ उठा के चखता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो खुद की पहचान करने का प्रयास कर कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, ये क्या है, ये सब समझने का प्रयास हो रहा है। तो उसी तरह से हम भौतिक जगत में जब पहचान करने का प्रयास करते हैं तो हम शरीर से पहचान करते हैं, और क्या है अभी शरीर की पहचान करना और शरीर से पहचान करना, ये अलग चीज़ है। टू आइडेंटिफाई द बॉडी एंड टू आइडेंटिफाई विद द बॉडी, कि ये मेरा शरीर है ये समझना ज़रूरी है, पर मैं शरीर हूँ ये समझना मोह है। और ये मोह क्यों होता है, जितना हमें आसक्ति होती है उतना हमें मोह होता है, जितना हमें किसी चीज़ से हमारी जिसी चीज़ में हमारी भावनाएं हो जाती है, तो वो भावनाएं जितनी हमारी उस चीज़ में अटक गई है या हमने डाली है उतना हम उससे कुछ मोह करते हैं। तभी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि बड़ी छोटी चीज़ पे वो बड़ा बड़ा झगड़ा होने लगता है, बहुत बड़ा झगड़ा होने लगता है छोटी छोटी चीज़ों पे। क्यों? क्योंकि वो लोगों की जो भावना है उस चीज़ में अभी अटक गई है। जब किसी चीज़ में किसी की भावना बहुत हो जाती है तो फिर क्या होता है कि अभी अमेरिका में जो लोग हैं खासकर पाश्चात्य संस्कृति जो बहुत अकेली संस्कृति है, पीपल आर वेरी मच अलोन, और कई खासकर कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स हो, सैन फ्रांसिस्को हो, वहाँ पे जो परिवारों में जितने बच्चे हैं उससे ज़्यादा कुत्ते हैं। ये सीरियस बात है, जोक नहीं है, सीरियस बात है। क्यों? लोगों को बच्चों को पालन करना, बड़ा करना, उनको अनुशासित करना, उनको बड़ा मुश्किल लगता है। पर क्या हर मानव में ऐसी ज़रूरत होती है, नीड, अ नीड टू नर्चर, किसी का पालन करना, किसी का पोषण करना, ये ज़रूरी है। तो क्या होता है कि वो इसलिए जो अभी पालन तो करना है पर बच्चे की देखभाल करने के लिए समय नहीं है, उतनी सब्र नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है, तो क्या है कुत्ते को पालो। तो अभी एक अमेरिका में कोर्ट केस हो गया था कि अगर एक परिवार है, पति पत्नी है और उनका कुत्ता है, तो फिर वो दोनों का अगर डिवोर्स हो गया तो कुत्ता किसके पास जाएगा? तो जैसे अगर पति पत्नी का डिवोर्स हो जाता है तो फिर क्या होता है, बच्चा कहाँ जाएगा, उसके लिए कस्टडी बैटल होता है, माँ चाहेगी बच्चा मेरे पास चाहिए, पिता चाहेगा बच्चा मेरे पास चाहिए। तो अभी अमेरिका में एक मल्टी मिलियन डॉलर केस हुआ है जो अभी सुप्रीम कोर्ट तक गया है कि कि अगर एक परिवार में कुत्ता है और दोनों उस कुत्ते से स्नेह करते हैं तो कुत्ता पत्नी के पास जाएगा या पिता के पास जाएगा, पत्नी के पास जाएगा पति के पास जाएगा। और अभी उसमें अलग अलग प्रकार से विचार कर रहे थे, अगर वो अभी कुत्ता किसको चाहता है तो क्या करो, दोनों को सामने जाकर रखो, तो कुत्ता को एक कमरे में लेके कुत्ता जिसके पास जाएगा उसके पास लेके जाओ। पर दो बार ऐसे किया तो कुत्ता दो बार दूसरे के दो दो एक बार चला गया। तो अभी करेंगे क्या उसके बारे में? तो यहाँ पे हुआ क्या है कि क्योंकि वो कुत्ते में इतनी भावना आ गई है तो वो दोनों पति और पत्नी कई अभी इतना बड़ा केस हो गया है, मतलब क्या है पैसे तो डाल रहे हैं, लॉयर जो होते हैं अटॉर्नीज को पैसे देने पड़ते हैं, तो दोनों पैसे डालने के लिए तैयार है, लाखों लाखों डॉलर्स में लाखों लाखों रुपए डाल रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि वो कुत्ते में इतनी आसक्ति हो गई है। तो उस वजह से क्या होता है, जब किसी चीज़ से आसक्ति हो जाती है तो फिर हम बाकी सब कुछ भूल जाते हैं कि किसी न किसी से मुझे कुत्ता प्राप्त करना है। अभी क्या होता है, कुत्तों की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती है, मानो जैसे 80-90-100 साल तक रहते नहीं, 70-80 साल तक रहते नहीं है वो। तो शायद ऐसे भी हो सकता है कि कोर्ट के चलता रहे और कुत्ता जिंदा भी नहीं रहे। और ये ऐसे है
कि ये ऐसे नहीं कि ये अमेरिका में भी हुआ था, ये दक्षिण भारत में भी जो श्री वैष्णव संप्रदाय था उसमें वो एक हाथी का बड़ा केस हुआ था। हाथी पे जो तिलक डालते हैं श्री वैष्णव में दो मार्ग हैं, जो एक है क्या एक वेदांत शिक्षा के अनुयायी एक हु इज अदर वन एनीवे, तो उसमें रामाचार्य के बाद दो गट हो गए थे। तो फिर अभी वो जो हाथी भगवान के सामने दर्शन करने को आता है विष्णु के सामने, वो हाथी पे कौन से ग्रुप का तिलक डालना है उसमें बहस हो गया और वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाला था उस दिन वो हाथी मर गया। तो अभी क्या होता है यहाँ पे कि जब किसी चीज़ के प्रति बड़ी आसक्ति हो जाती है तो उससे हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम उसमें इतनी भावना डाल देते हैं कि न केवल ये मेरा है, ये मैं ही हूँ। जैसे किसी माता को लगेगा कि अपना शिशु उससे बच्चा दूर ले जाए तो माता को लगता है ये केवल मेरा बच्चा नहीं है, मेरे शरीर का एक अंग है, तुम इसे दूर कैसे ले जा सकते हो। तो वैसे ही कुत्ते के प्रति लग सकता है। तो क्या है कि जो आत्मा का शरीर से जो संबंध है ये केवल एक कार्य उपयोग के लिए नहीं, कार्य के लिए नहीं है, वो एक पहचान बन गई है। और पहचान क्यों बन गई है, क्योंकि उसमें भावनाएं उतनी चली गई है। भावनाएं उतनी चली क्यों गई है, क्योंकि उतना उससे हमको भोग मिला है या उतना हमको भोग मिलने की उससे आशा है। तो अभी यह पहला है कि हम क्योंकि शरीर से कार्य करते समय हम पहचान लेते हैं शरीर से, उसके बाद उससे आसक्ति बढ़ जाती है। और ये सबसे मूलभूत मोह है कि उससे हम मिस आइडेंटिफिकेशन करते हैं। दूसरा बता था कि मैं कि जो अभी इंद्रियां हैं इनको भक्ति में दो चीज़ें करते हैं, भक्ति में हम उनको प्यूरिफिकेशन और यूटिलाइजेशन। भक्ति ऐसे है कि हमारे इंद्रियों को हम बुरा नहीं मानते हैं, कि जो इंद्रियां हैं कई खास करके ऐसे जो आध्यात्मिक मार्ग हैं जो संसार को छोड़ देने की बात करते हैं, संसार को ठुकरा दो और आध्यात्म की ओर प्रगति करो, उसमें कहते हैं इंद्रियों बहुत मोह और माया के कारण बताया जाता है। पर हम देखते हैं शास्त्रों में कई बार ऐसे श्लोक आते हैं कि हे भगवान मैं चाहता हूँ कि मैं आँखों से हमेशा आपके ही दर्शन करूँ, दृष्टौ सनाताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। अंबरीश महाराज यही कहते हैं, नलकोर मणिग्रह यही कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम, कि मैं जिह्वा से आपके आपका गुणगान करना चाहता हूँ, मैं आँखों से आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आपके भक्तों का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं पैरों से आपके मंदिर में आपके तीर्थ क्षेत्रों में आ जाता हूँ, मैं हाथों से अपने आपके मंदिर का मार्जन करना चाहता हूँ। तो भक्ति का भाव क्या है, भक्ति का भाव ये है कि जो हमारी इंद्रियाँ हैं उनको हम उपयोग करते हैं। उपयोग किस तरह से करते हैं कि ये हमें भौतिक जगत में कार्य तो करने हैं पर इस तरह से कार्य करें जिससे कि हम आध्यात्म के करीब जा सकें। तो व्यवहारिक रूप से तो हमें कार्य करना ही पड़ेगा, हमें कुछ नौकरी करनी है, हमें कुछ घर का काम करना है, वह सब हम करेंगे, पर वह सब अगर भक्ति भाव से करेंगे तो क्या है, उससे हम इस शरीर का इस्तेमाल करेंगे पर शरीर से हम बंधन में नहीं फंसेंगे, शरीर के मोह में नहीं फंसेंगे। यही ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब किसी चीज़ को भौतिकता भौतिक हम भौतिक भावना से कार्य करते हैं, आध्यात्मिक भावना से कार्य करते हैं तो क्या होता है कि हाँ किसी भी चीज़ को हम भौतिक चेतना से इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारा मोह बढ़ता है, उससे हमारा इल्यूजन बढ़ता है, उससे हमारा अटैचमेंट बढ़ता है, हमारा इन्फैचुएशन बढ़ता है। पर हम आध्यात्मिक भावना से करते हैं तो उससे हमारा रियलाइजेशन बढ़ता है। अगर मान लीजिए किसी को अच्छी बोलने की क्षमता है, अच्छी गाने की क्षमता है, अच्छी डेकोरेशन करने की क्षमता है, तो अभी अगर कोई व्यक्ति वही भौतिक कार्य के लिए करता है, मतलब वो अच्छा बॉलीवुड के गाने गाता है या कुछ ऐसे भौतिक भाषण देता है या कुछ भौतिक डेकोरेशन करता है, कुछ वेडिंग प्लानिंग होगी या किसी का फैब बुटीक होगा, किसी का कुछ ब्यूटी सैलून होगा, जो भी होगा वहाँ पर ऐसे करता है, तो उससे क्या हो, वैसे जब हम हमारे जो शरीर है इस्तेमाल करते हैं उसको भौतिक कार्यों के लिए, तो उसके द्वारा हम उस कार्य से और उस कार्य की सुविधा से और आसक्त हो जाते हैं। तो उसके विपरीत जब हम भगवान के लिए ऐसे कार्य करते हैं तो फिर भी हम अभी कोई किसी को प्रवचन देने की, किसी गाने की अच्छे गीत गाता है कोई,
तो उसको भी उसकी जिह्वा उसके वाणी से उसकी जिह्वा से उसके वचन से एक तरह से उसकी कीमत समझेगी और ज़रूर उसको वैल्यू करेगा। पर क्या होगा, भक्ति के द्वारा हम समझेंगे कि हाँ ये मेरे लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। पर जितना हम भक्ति में इसको इस्तेमाल करेंगे उससे हम धीरे धीरे समझेंगे कि मैं इससे अलग हूँ, कि हाँ मैं कि जो भौतिकवादी के संगीतकार होगा वो जितना उसको संगीत से आनंद मिलेगा उसका उतना वो सोचेगा कि मैं संगीतकार ही हूँ और बाकी जीवन बाकी जो कुछ भी भूल जाएगा। पर भक्त जो है, जो हम किसी चीज़ को सेवा भाव से इस्तेमाल करते भगवान की सेवा में, तो हम ज़रूर उसको ध्यानपूर्वक करते हैं, पर क्या होता है उतना ही करने से हमको समझता है कि वास्तव में मैं ये गा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये डेकोरेशन कर रहा हूँ, पर मैं इससे अलग हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अभी हम यहाँ पे हैं, हम जो चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पे है और इसके परे कुछ उद्देश्य है। तो अभी क्या होता है, भौतिक जगत में जो उद्देश्य भी होता है भौतिक होता है, चाहे वो धन संपत्ति हो, ख्याति हो, या फिर खुद का अहंकार बढ़ाना हो, जो भी हो। तो क्योंकि क्या होता है भौतिक ही होता है, उसके कारण जो भौतिक सामग्री है, भौतिक वस्तु है जिससे हम जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आसक्ति और बढ़ जाती है। पर जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हम यहाँ पे है आत्मा के रूप में, हमारे पास ये क्षमता है, और फिर इसके परे जो है हम यहाँ पे भगवान हैं। तो फिर क्या होता है, जितना हम ऐसे भगवान के से अर्पित करते हैं, ये भगवान को अर्पित करते हैं, तो उसके द्वारा हम ये जो बीच में जो हमारा जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं अर्पण करने के लिए उसके हम मूल्य समझते हैं, पर समझते हैं कि इसके परे भी कुछ है। तो यह जो है साक्षात्कार जो होता है वह बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम समझ सकते, अगर हम एक है अटैचमेंट टू सर्विस और दूसरा है अटैचमेंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस, कि सेवा से आसक्ति और सेवा के उद्देश्य से आसक्ति। तो अभी सेवा से आसक्ति भी अच्छी ही है, तो किसी न किसी तरह से हम भगवान से संबंधित हैं। अगर हम सेवा से आसक्त है कि मुझे सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, तो बाकी कुछ नहीं करें, किसी को व्यक्ति को कीर्तन अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, तो फिर अच्छी बात है, कम से कम वो सेवा तो ध्यानपूर्वक करेगा, अच्छी तरह से गाने का प्रयास करेगा। पर क्या है कि सेवा से आसक्ति से धीरे धीरे हमें प्रगति करके क्या करना है, सेवा के उद्देश्य से आसक्ति है। जो हम कहते हैं भक्ति के भाव, भक्ति के लक्षण होते हैं आदव श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, फिर उसके बाद में अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि और आसक्ति। तो अभी रुचि और आसक्ति में ये फ़र्क है, रुचि में हमको सेवा में रुचि आती है, सेवा में ही आनंद मिलता है, पर आसक्ति में जो सेवा के उद्देश्य है, जो भगवान है उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। तो यह जो है उसमें समय लग सकता है, पर क्या है कि अगर कोई व्यक्ति सेवा से ही इतना आसक्त हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो सेवा भाव धीरे धीरे कम होने लगता है। एक भक्त थे एक मंदिर में, वो बहुत अच्छा गाय कीर्तन किया करते थे, और फिर उनकी इच्छा थी कि मुझे स्पेशल कुछ ट्रेनिंग प्राप्त करना है। कैसे, जैसे पहले पारंपरिक पद से अभी हम गौड़िया वैष्णव हैं, तो बंगाल में जैसे नरोत्तम दास ठाकुर के समय जैसे कीर्तन हुआ करता था, कैसे लोग कैसे वो गाते थे, कैसे वो वाद्य बजाते थे, वो सब मैं सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने गुरु से इजाज़त ली और फिर वे गए बंगाल में, दो तीन सालों तक वहीं पर उन्होंने सीखा और बड़े निपुण हो गए। पर उसके बाद में जब वो आ गए मंदिर में तो फिर वो कीर्तन करते थे, और जब भी कीर्तन होता था वो कीर्तन करते थे बड़ा सुंदर कीर्तन करते थे, पर दूसरे कोई भी कीर्तन करता था तो कह रहे थे तुम ये बराबर नहीं गा रहे, तुम ये बराबर नहीं बजा रहे, तुम ये बराबर नहीं बजा रहे। फिर बाद में एक दिन वो मंदिर में मैनेजर के पास गए और कहे इस मंदिर में किसी को कीर्तन आता ही नहीं है, इसीलिए आज से जो भी कीर्तन होगा मैं ही करूँगा। अभी ये भाव है, वो फिर मैनेजर से कह रहे थे कि देखिए यहाँ पे हम सिर्फ कीर्तन करने के लिए नहीं आए, हम भगवान की भक्ति करने के लिए आए, और तुम अपनी कीर्तन मंडली बनाओ जहाँ पे तुम बहुत अच्छा कीर्तन कर सकते हो, पर जो मंदिर में है सब अलग अलग भक्त अपनी सेवाओं से कीर्तन करेंगे, और भगवान को भक्ति भाव महत्वपूर्ण है। तो अभी क्या हो गया, उस सेवा से अगर आसक्ति इतनी हो गई है कि हम दूसरे के सेवा भाव देख ही नहीं रहे, और दूसरों के जो उतना अच्छी तरह से मैं कर नहीं सकता उतना कर नहीं सकते, इसलिए उनकी निंदा करने लगते, तो वो अच्छा नहीं है। पर हम सेवा भाव से करेंगे तो क्या होगा,
कि हम समझें कि हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए गाना, पर मैं गा किस लिए रहा हूँ, भगवान के लिए गा रहा हूँ। जैसे मैं भगवान के लिए गा रहा हूँ, दूसरे लोग भी उनकी सेवा भाव से भगवान के लिए गा रहे हैं, उनके लिए पका रहे हैं, सजा रहे हैं, अलग अलग सेवाएँ कर रहे हैं। तो ये जो रियलाइजेशन है, साक्षात्कार जो है, वहाँ हमको आता है जब हम सेवा भाव से हमारे शरीर और शरीर की जो सुविधाएँ हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी में आखिरी जो पॉइंट था कि प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन मतलब क्या होता है? कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। भगवान कहते हैं भगवद्गीता के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में कि जो योगी होते हैं वह हमारे अपने शरीर के साथ, कायेन मनसा बुद्धि, शरीर के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, केवलैर इंद्रियैरपि, अपनी इंद्रियों के साथ भी, योगिनः कर्म कुर्वन्ति, वह कर्म करते हैं, पर किस लिए? संगम त्यक्त्वात्म आत्मशुद्धये, त्यक्त्व वो आत्मशुद्धि के लिए। तो अभय शुद्धि का क्या है कि एक है हमारे खुद की, खुद के आनंद के लिए हम कुछ कार्य करते हैं, दूसरा है कि भगवान के आनंद के लिए कार्य करते हैं। तो अभी ये दोनों जो उद्देश्य है ये कभी कभी हमारे लिए इम्प्रैक्टिकल हो जाएगी। अगर हम खुद के आनंद के लिए कार्य करेंगे तो अभी कुछ आनंद नहीं मिल रहा है तो फिर हम बोले क्या क्यों करूँ मैं ये। पर अगर केवल भगवान के आनंद के लिए कार्य करना है को लगे अभी भगवान को किसमें आनंद मिल रहा है कि नहीं मुझे पता कैसे चलेगा। और कभी कभी ऐसे हो सकता है कि हमें लगेगा कि इसमें मुझे प्रेरणा नहीं मिल रही है, मैं क्यों करूँ ये सब। तो अभी हाँ, जो शुद्ध भक्त होते हैं वह केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए सब सेवा करते हैं। हमें भी उस स्तर पर आना है, पर हम उस स्तर पर ऐसे एक कृत्रिम पद्धति से खुद को काल्पनिक कल्पना नहीं कर सकते मैं वहाँ पे हूँ। तो जो हमारे लिए जो स्थिरता का स्तर है वो क्या है? शुद्धिकरण के लिए है। मतलब क्या है कि एक बार प्रभुपाद जी को एक शिष्य ने बोला, प्रभुपाद जी मैं आपकी सेवा जन्म जन्म तक करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा, तुम्हारी सेवा स्वीकार करने के लिए मुझे बार बार जन्म लेने को मत लगाओ तुम। तुम शुद्ध हो जाओ और भगवत धाम आ जाओ। अभी इसमें भाव क्या है? ऐसे चेतना का भाव के जन्म जन्मांतर उसे वो कहते हैं कि अगर मुझे मुक्ति नहीं मिली तो मैं जन्म जन्म आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। तो वो भाव अच्छा है, पर क्या है कि क्या हम उस स्तर पे हैं? अभी हम भौतिक चीज़ों से आ सकते हैं और जन्म जन्म अगर भौतिक चीज़ों में रहे, भौतिक जगत में रहेंगे तो शायद इस जन्म में थोड़ी भक्ति करते रहेंगे पर अगले जन्म भक्ति से दूर भी जा सकते हैं। तो इसीलिए अभी हमें क्या करना है? स्थिरता से भक्ति में लगना है। और जो शुद्धिकरण है उस वह हमारा एक स्टडी प्लेटफॉर्म हो सकता है कि जो इंद्रिया है मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ वह शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अभी शुद्धिकरण का मतलब कैसे होता है? कुछ कुछ शब्दों का, यह अंतिम पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ, कुछ कुछ शब्दों का जो अर्थ होता है वह संदर्भ से उसको हम निकालते हैं। तो कभी कभी अभी आजकल के हम जो प्यूरिफिकेशन बोलते हैं तो उसमें थोड़ा नकारात्मक अर्थ आ जाता है। अगर कोई हमको प्रसाद के लिए बुलाते हैं उनके घर में और फिर उससे प्रसाद कैसा था, बोला प्यूरिफाइंग था। अभी मतलब क्या? अच्छा स्वाद का नहीं था, आप क्या कहना चाहते हो? तो अब यात्रा कैसे थी? यात्रा एक्सटैटिक थी, अच्छा बात है। यात्रा प्यूरिफाइंग थी, मतलब क्या? बहुत तपस्या करनी पड़ी आपको वहाँ पे। मतलब कभी कभी सोचते हैं प्यूरिफिकेशन मतलब क्या, हम सोचते हैं कि उसमें मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ शुद्धिकरण हुआ। मतलब मेरे लिए तपस्या की बात नहीं वो, पर उसे शुद्धिकरण हो गया। तो एक बार दो भक्त मिले थे और दोनों में भक्तों में बहुत झगड़ा हुआ था, तो बहुत बहस हुआ और फिर शायद तो क्या होता है, साथ में रहते फिर जगह, तो जब कोई जा रहे थे तो फिर हम कोई विजिटिंग प्रीचर अगर आते हैं हमारे यहाँ पे या हम किसी भक्त से मिलते हो जा रहे होते बोलते हम कहते कि आपका संग बहुत इंस्पायरिंग था, तो ये बताते कि योर एसोसिएशन वॉज वेरी प्योरीफाइंग। आपके एसोसिएशन, आपके संग ने मुझे बहुत शुद्ध कर दिया। तो अभी प्योरीफिकेशन जो होता है कभी कभी उसका नकारात्मक अर्थ हो सकता है, हम जिस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ शुद्धिकरण का मतलब क्या है? शुद्धिकरण मतलब दो चीज़ें होती हैं, कि एक है कि हमारी भौतिक चीज़ों से आसक्ति कम होती है और भगवान से आसक्ति बढ़ती है। शुद्धिकरण का यही अर्थ है कि
शुद्धिकरण का अर्थ है कि जो काम तदार्जस्तमो भावा काम लोभादयश्च चेत एतिर्नाविद्धं सितं सत्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस जायते। तो शुद्धिकरण मतलब क्या, अगर हम शुद्धिकरण के भाव से कार्य करते हैं, अगर सेवा में लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे जो काम क्रोध लोभ मदमोह मात्सर्य है वो सब कम हो जाएगा और हमारी भक्ति में जो भगवान के प्रति आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो जो भक्ति है वह क्या है, इंद्रियों को इस्तेमाल करने वाला अध्यात्म है। भक्ति इज सेंसरी स्पिरिचुअलिटी। कैसे, इंद्रियों को हम इस्तेमाल करते हैं शुद्धिकरण के लिए, इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं भगवान की सेवा के लिए, और उसके द्वारा वही इंद्रियां जो मोह और बंधन का कार्य बनती है साधारणतः, वही इंद्रियां हमें शुद्धिकरण और फिर मुक्ति का साधन बन जाती है। इसीलिए एक है कि शरीर मोह का कारण है पर शरीर धर्म साधन भी है। शरीर जो है हमें भगवान के पास जाने ले जाने में भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस तरह से जब हम शरीर को सकारात्मक रूप से देखते हैं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, उपजाव है मेरे लिए, इससे कि मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ, तो हम इसका ख्याल रख सकते हैं बिना कि इसके उससे आसक्त हुए बिना। हम उसको वी हैव टू टेक केयर ऑफ द बॉडी, हम शरीर का संभाल कर सकते हैं पर उससे आसक्त हुए बिना। और इस तरह से हम कार्य करते हैं तो हम शरीर का देखभाल कर सकते हैं और उसके साथ साथ आत्मा के भी साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। तो सारांश में आज 3 पॉइंट हम देखें। पहला पॉइंट ये था कि किस तरह से यह शरीर में हम न केवल शरीर में हम न केवल उसको इस्तेमाल करते हैं पर उससे खुद को पहचान लेते हैं, और वो मोह है। अभी ऐसे मोह में क्यों पड़ते हैं, क्योंकि शरीर में जो उपयोग का कार्य है और जो भोग का कार्य, दोनों में एक साथ कर दिया। कार में पेट्रोल डालने में कुछ आनंद नहीं मिलता है पर शरीर में अन्न डालने में आनंद मिलता है। तो कुछ लोग फिर वो जो अन्न का शरीर की पुष्टि करने का उद्देश्य भूल के सिर्फ भोग के उद्देश्य कार्य करने लगते हैं। और जितना हम किसी चीज़ से सुख प्राप्त करते हैं या सुख प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं उससे हमको उतनी आसक्ति हो जाती है। जैसे कुत्ते के प्रति इतनी आसक्ति हो सकती है कि कोई मल्टीमिलियन डॉलर केस कर लेगा, कुत्ता का मुझे प्राप्त करना है। तो वैसे ही कि हाथी के इतना आसक्त हो जाएगा कि हाथी के कोई केस कर सकता है। तो वैसे ही क्या है कि जितना हम इस शरीर से भोग करते हैं, उससे भोग करने की इच्छा करते हैं, उतना हमारी भावना उसमें अटक जाती है, उतना आसक्त हो जाते हैं। फिर न केवल उसको बहुत आसक्त हो जाते हैं, उससे खुद को पहचानने लगते हैं। तो एक मोह है कि भौतिक जगत में थोड़ा सुख है पर उसको बहुत सुख मानना, पर दूसरा मोह है कि इस भौतिक शरीर से ही खुद को पहचान लेना। तो अभी ये मोह से छूटना है तो भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में दो चीज़ें हैं, क्या है कि हम शरीर को इस्तेमाल करते हैं, तो मिसआइडेंटिफिकेशन यूटिलाइजेशन, कि हमें भक्ति में कार्य करने हैं, भौतिक जगत में भक्ति करनी है, शरीर तो ज़रूरी है कार्य करने के लिए। तो हमारे इंद्रियों से हम भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, इसके द्वारा हम धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं। इसी तरह अगर हम भौतिक चेतना से कोई कार्य करते हैं तो फिर उसी कार्य से हम आसक्त हो जाते हैं। तो कोई भौतिक संगीत गाता है तो गाने के कार्य से और गाने से जो मिलता है धन संपत्ति उससे बड़ा आसक्त हो जाता है, पर अगर भगवान के लिए गाते हैं तो हम ज़रूर हमारे वाणी को हमारे गले को संभालेंगे पर क्या होगा, उससे भी परे जो भगवान है उनकी ओर आसक्ति बढ़ जाएगी। तो सेवा से आसक्ति अच्छी है पर उससे महत्वपूर्ण है कि सेवा के उद्देश्य जो आसक्ति है, आसक्ति बढ़नी है। और हम जैसे साक्षात्कार होता है जब हम हमारे इंद्रियों को और शरीर को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं, तो उसके द्वारा हमारी दृष्टि वो भौतिक चीज़ से जो उद्देश्य है भगवान उनकी ओर और केंद्रित होने लगती है। और फिर तीसरा है कि हम जब इंद्रियों को इस तरह से भक्ति में इस्तेमाल करते हैं तो उससे शुद्धिकरण होता है। और शुद्धिकरण का मतलब ये नहीं कि सिर्फ तपस्या की बात है, शुद्धिकरण क्या मतलब क्या है कि वो स्थिर स्तर पे हम कार्य कर सकते हैं, कि भले ही हमको खुद सुख कभी मिलता है वो कार्य करने में सुख नहीं मिलता है, कभी हमको हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें पर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं हमको पता नहीं है, पर हम अगर स्थिरता से भक्ति करनी है तो शुद्धिकरण के भाव से करते हैं। शुद्धिकरण का अर्थ क्या है कि हमें जो अनर्थ है काम क्रोध वो कम होने लगते हैं, जो परमार्थ है भगवान के प्रति भक्ति
उसमें हम प्रगति कर सकते हैं। और इस तरह से जब हम यूटिलाइजेशन और प्यूरिफिकेशन, उपयोग करना और शुद्धिकरण करना, इस भाव से शरीर से हमारा संबंध जोड़ते हैं, संबंध को पुनः एक बार देखते हैं, तो फिर क्या है, हम शरीर की देखभाल करते हैं पर शरीर से आसक्त नहीं होते हैं। शरीर का देखभाल करके आत्मा का जो कल्याण है उसके लिए उसमें इस्तेमाल करते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी कोई सवाल है? यस सर। मुझे आपने जो तो कैसे हम जांच कर सकते हैं कि हम सेवा से आसक्त हो रहे हैं या सेवा के उद्देश्य से आसक्त हो रहे हैं? दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले, सेवा करने के बाद हमारे मन में क्या स्मरण होता है? क्या हम, अगर हम प्रवचन देते हैं, प्रवचन के देने के बाद हमने भगवान का गुणगान किया है, तो क्या भगवान का स्मरण हो रहा है, या फिर देखो मैंने कितना बड़ा प्रवचन दिया, कितना अच्छा प्रवचन दिया, कितने लोग मेरा गुणगान कर रहे हैं, या कोई गुणगान मेरा क्यों नहीं कर रहा है? अगर उसको सेवा करने के बाद हमारे स्मरण में यही आ रहा है, खुद के बारे में बहुत स्मरण आ रहा है कि देखो मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, तो फिर क्या है, वो थोड़ा हम भौतिक चेतना में कर रहे हैं। अब एक तरह से स्वाभाविक है, पर उसी पे उस प्रकार का विचार आ सकता है, पर क्या हम उसी विचार पे चिंतन करते रहते हैं कि अभी मान लीजिए हम अगर भगवान को सजा रहे हैं विग्रह को, तो अभी अगर हम पूरा सजाते हैं भगवान को और फिर दर्शन में होती है, दर्शन होता है, तो अभी हम देख रहे हैं कि भगवान कितने सुंदर है या मैंने कितना अच्छा सजाया है ये लोग जानते हैं कि नहीं, मेरे डेकोरेशन मैंने किया था उनको पता है ना। तो अभी एक तरह से वो एक मानवीय अपेक्षा है कि अगर हम कुछ अच्छी सेवा की तो उसका गुणगान, लोग उसका थोड़ी सराहना करें, गुणगान नहीं थोड़ी सराहना करें, उसको पहचाने, वो ठीक है। पर वही अगर हमारी चेतना में बने रहता है तो इज आवर सर्विस मेकिंग अ सेल्फ कॉन्शियस और कृष्ण कॉन्शियस, वो हम देख सकते हैं सेवा करने के बाद क्या स्मरण में आता है हमारे अधिकांश रूप से। दूसरी चीज़ ये है कि क्या हम दूसरी सेवा करने के लिए भी तैयार हैं? कभी क्या होता है कि अगर हम जो सेवा अच्छी, जो हम अच्छी से कर सकते हैं और उसको करने में हमको आनंद मिलता है और वो अच्छी तरह से कर भी सकते हैं, तो स्वाभाविकता से हम वही सेवा अधिक करेंगे और अच्छा ही है क्योंकि उससे हम अच्छा योगदान कर सकते हैं। पर क्या है, जब हम कोई चीज़ अच्छी तरह से कर सकते हैं और अगर वही करते रहते हैं तो उससे कर्ता का भाव बहुत बढ़ जाता है कि मैं करता हूँ, देखो मैं इतना अच्छे से कर रहा हूँ। पर जब हम इस तरह से शायद हमारा अहंकार बढ़ जाता है, कर्ता का भाव बढ़ जाता है, और फिर तब हम दूसरी कोई चीज़ करना चाहते हैं और वो अच्छे से कर नहीं पाते, उसमें स्ट्रगल करते, तो हम समझते हैं कि वास्तव में एक छोटा सा आत्मा हूँ मैं, कुछ चीज़ें मैं अच्छे से कर सकता हूँ पर बहुत सी चीज़ें अच्छी तरह से नहीं कर सकता। तो ऐसे नहीं कि जानबूझ के हमको दूसरी चीज़ ऐसी करनी जिसमें हम सब कुछ खराब कर देंगे, ऐसे नहीं है, पर वो तैयारी रखनी चाहिए जिससे कि, तो ऐसे कहते हैं कि जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं आती है वह कभी हम करते जानबूझ के नहीं, पर उसे टालते नहीं, अगर करना पड़े तो टालते नहीं हो, तो उससे क्या होता है, हमें थोड़ी नम्रता आती है, कर्ता का भाव कम हो सकता है। कम से कम वो करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं यही करूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा मैं। और तीसरी चीज़ ये है कि जब हम ये सेवा करते हैं तो उसके द्वारा हमारा दूसरों के प्रति क्या भाव हो रहा है, क्या है कि मतलब कि जो दूसरे भक्त हैं क्या हम उनसे खुद को ज़्यादा सुपीरियर मानने लगते हैं, उनका तिरस्कार करने लगते हैं, उनकी निंदा करने लगते हैं, या हम देखते हैं कि ठीक है मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ ये भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो अगर हम भगवान से आसक्त हो रहे हैं तो फिर हम देखने लगे कि अरे ये लोग भक्ति कर रहे हैं ये भी स्पेशल है। पर अगर हम सेवा से ही आसक्त हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबको हमारे सेवा की क्षमता के दर्जे से देखेंगे। अगर हम प्रवचन देते हैं और हम प्रवचन देने से ही आसक्त हो रहे हैं तो फिर दूसरा बच्चा प्रवचन देता है कुछ आता ही नहीं इसको, कुछ शास्त्र पढ़ता नहीं है, कुछ याद नहीं है इसको, तो फिर उनको हम तुच्छ मानने लगेंगे। पर दूसरे शायद वहाँ अलग अलग लोगों में अलग क्षमता होती है, कुछ लोग अच्छा प्रवचन नहीं दे पाएंगे पर उनका जो डेडिकेशन होगा, वो उनकी जो सेवा प्रधान सेवा है उसमें शायद उनका समर्पण बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो वो अगर दूसरा हम देखते नहीं हैं तो फिर वो क्या है कि वापस हम वो
उस सेवा के द्वारा हमारी चेतना संकुचित हो रही है, क्या है, भक्ति के द्वारा हमारी चेतना विस्तारित होनी चाहिए कि कैसे कृष्ण सब जगह उपस्थित है, सब चीज़ों से कृष्ण का संबंध है और इस तरह से हम कृष्ण भावना भावित सब चीज़ों में हो सकते हैं। तो अगर हम सेवा के उद्देश्य से आसक्त हो रहे हैं तो फिर क्या हम देखेंगे सब भक्त हैं और सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सेवा कर रहे हैं। पर हम अगर सेवा से ही आसक्त हो रहे हैं तो हम देखेंगे अरे ये इसको ये सेवा अच्छी आती नहीं, क्या फ़ायदा इसका, तो फिर हम दूसरों की ओर उसको कम मानने लगेंगे। तो ये तीन चीज़ें हैं, हमारे स्मरण में क्या हम खुद को आता है या भगवान आते हैं, और हम दूसरी जिसमें हम इतने अच्छे नहीं हैं वो सेवा करने के लिए हम तैयार हैं क्या, और दूसरे भक्तों की ओर हमारी अच्छी सेवा करने से दूसरे भक्तों की ओर हमारी क्या दृष्टि हो जाती है, अगर हम उनको भी भक्त के रूप में देख रहे हैं या उनको हमसे तुच्छ के रूप में देख रहे हैं, उससे हम समझ सकते हैं हम कृष्ण भावनावाहित हो रही है नहीं। थैंक यू। कोई और सवाल है किसी का? यस, लास्ट क्वेश्चन। If you see, there is no attachment, there is no passion for any activity what we do, then we don't perform to our best. तो क्या आसक्ति होना बुरा है? क्योंकि अगर आसक्ति नहीं होगी तो फिर हम कुछ कार्य नहीं करेंगे, कुछ कार्य करने की इच्छा भी नहीं होगी, हम अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। तो भी क्या है, कई बार शब्द ऐसे होते हैं कि कुछ शब्दों का नकारात्मक भाव होता है, कुछ शब्दों का सकारात्मक भाव होता है। तो आसक्ति या अटैचमेंट जो है साधारणतः शब्द का नकारात्मक भाव होता है, तो हम उसी चीज़ को परिवर्तित कर सकते हैं। और इंग्लिश में कुछ और शब्द होते हैं, ड्राइव होता है, एवरीबडी शुड हैव अ ड्राइव टू डू समथिंग। तो ड्राइव मतलब क्या है, उसमें जो कहके कुछ करने की इच्छा, कुछ करने की क्षमता, कुछ करने की चेतना का जोश, कुछ और अभी हम उससे देखेंगे। प्रभुपाद जी में तो ज़रूर वो जोश था, नहीं तो फिर वो वृद्धावस्था में अमेरिका क्यों गए अकेले उस अवस्था में, क्योंकि ज़रूर में वो उत्साह जोश। तो क्या है, आसक्ति शब्द का साधारणतः अर्थ क्या होता है कि एक चीज़ में इतना हमारी चेतना फंस जाना कि उसके बिना हम कुछ सोच ही नहीं पाते, उसके बिना हमारा कुछ जीवन है ही नहीं। जैसे धृतराष्ट्र की दुर्योधन के प्रति आसक्ति थी। अभी प्रभुपाद जी ऐसे थे कि उनकी भी बहुत इच्छा थी कि भगवान की सेवा करें, भगवान का गुणगान सारे विश्व भर में हो। और प्रभुपाद जी की जो इच्छा थी एक तरह से उनके गुरु बाकी सारे गुरु भाइयों से उनकी ज़्यादा इच्छा थी। प्रभुपाद जी के शायद कई गुरु भाई ऐसे होते उनसे बड़े विद्वान थे, पर प्रभुपाद जी की ड्राइव जो थी ज़्यादा थी कि हमें सारे विश्व भर में प्रचार करना है। पर फर्क ये था, पर प्रभुपाद जी ऐसे नहीं था कि जब तक सारे विश्व भर में प्रचार नहीं हुआ तब तक प्रभुपाद उदास थे, हताश थे। जब प्रभुपाद जी पहले भी अमेरिका में गए थे और जब कोई भी उनको जानता नहीं था, रास्ते पर चलते थे, तभी भी जो उनके जो जो भक्त उनसे मिले पहले, बाद में वो भक्त बने, जो हिप्पी मिले, और देखते प्रभुपाद जी ऐसे संतुष्ट थे, वो सीरीन एंड सेटिस्फाइड, वो शांत और संतुष्ट थे। तो क्यों शांत और संतुष्ट थे? क्योंकि उनका संबंध प्रधान रूप से भगवान से था। वो भगवान का गुणगान जरूर करना चाहते थे कि सारे विश्व भर में मंदिर हो जाए, और वो इच्छा ज़रूर थी, पर ऐसे नहीं था कि आसक्ति मतलब उसके बिना जी ही नहीं सकता व्यक्ति। अटैचमेंट रिड्यूसेस आवर लाइफ एंड आवर कॉन्शियसनेस टू सिंपली द ऑब्जेक्ट ऑफ द अटैचमेंट, बट ड्राइव एक्सपैंड्स आवर लाइफ टू गिव एनर्जी एंड पर्पस टू इट। कि अगर हमें कुछ ड्राइव है, कुछ जोश है कुछ करने का, तो ठीक है मुझे करना है, पर वो हो ना हो मुझ में उत्साह बना रहेगा। तो अटैचमेंट कैसे है कि एक जगह पे पहुंचना, इट्स मोर लाइक अ डेस्टिनेशन, ड्राइव इज लाइक अ डायरेक्शन, मुझे इस दिशा में जाना है, शायद मैं उस दिशा जहाँ पे पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, पर मुझे ये करना है। तो एक लेखक है, उन्होंने लगभग 700-800 किताबें लिखी है, अमंग सबसे लोकप्रिय ऑथर्स में सबसे ज़्यादा किताबें उसने लिखी है। तो उनको लिखने के इतनी अच्छी इच्छा थी, इतनी ज्वलन थी, उनको पूछा था कि अगर आपको पता चल गया कि एक घंटे में आपकी मौत होने वाली है तो आप क्या करोगे? उसने कहा कि फिर उस एक घंटे में मैं मेरे ज़िंदगी में सबसे फास्ट टाइपिंग करूँगा, आई विल टाइप फास्टर। तो उसमें उसे ग्रंथ लिखने का इतना उत्साह है
कि हम कह सकते हैं कि भगवान का स्मरण नहीं कर रहा, ये तो मोह है, पर ये हम देख सकते हैं कि उस जीवन में कुछ करने की इच्छा है, तो भले ही मृत्यु आने वाली है पर वो करने की इच्छा है। तो क्या है कि उसमें लोग पढ़ रहे हैं किताब, वो अच्छी बात है, पर लोग पढ़े या पढ़े ना पढ़े मुझे लिखना है। तो जो हम इस तरह से भाव से कार्य होता है, ड्राइव होता है वो ज़रूर चाहिए। तो ड्राइव वो कहाँ से आ सकता है, कई चीज़ों से आ सकता है। एक है कि हमें कुछ स्वाभाविक रूप से कुछ कार्य अच्छे लगते हैं, जैसे ब्राह्मण को पढ़ना अच्छा लगता है, सिखाना अच्छा लगता है, कोई कलाकार हो उनको कला करना अच्छा लगता है, वो जो कला करेगा कोई बेचेगा पैसा आएगा तो अच्छी बात है, पर नहीं आएगा तो वो कला करते रहेगा। तो कुछ कुछ लोगों को ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों में अपने आप आकर्षण होता है अंतरंग रूप से ही। कुछ ऐसा हो सकता है जोश आता है इसलिए क्योंकि वो ऐसे संघ में है कि सब लोग ये कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना है। और फिर ऐसे भी हो सकता है कि हम भी चाहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहता हूँ, इसलिए जोश है मुझे कुछ करना है। तो अगर यह जो भी भाव है वह उसमें हम सेवा भाव डाल देंगे, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, जो भी मुझे चीज़ के स्वाभाविक आकर्षण है, जिस भी संघ में मैं हूँ, जिस भी चीज़ को मुझे कुछ करके दिखाना है, ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि भगवान ने मुझे क्षमताएँ दी है, भगवान ने मुझे जीवन दिया है। तो वो भाव से अगर होता है तो फिर हमारे जीवन में एक एनर्जी शक्ति आ जाएगी, पर ऐसे नहीं क्या उस पर ही हमारा चेतना संकुचित हो जाएगी। तो अटैचमेंट हमें तो अटैचमेंट अच्छा नहीं है, कि उससे हम वो नहीं होगा तो हम हमेशा दुखी रह जाएंगे, उद्विग्न रह जाएंगे, शिकायत करते रहेंगे, वैसा उस पर निर्भर हो जाएंगे, वैसा जरूर अच्छा नहीं है। पर कुछ करना है उसके लिए अगर उसके शक्ति है हमारे जीवन में, उसमें जोश है, तो वो अच्छा है, वो ज़रूरी है वास्तव में। पर उसको एक भक्ति के सेवा भाव के दायरे में अगर लाते हैं तो फिर वो और ही सकारात्मक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंद की, चैतन्य चरण प्रभु की जय, प्रभुपाद की जय।